So we got done understanding about prophase in last lecture. Yes. आज थोड़ा और आगे चलते हैं और प्रोफेस के आगे देखते हैं कि मेटाफेस में क्या होता है. लास्ट लेक्चर कम पढ़ के बैठे सब? Yes. सब? Yes. पक्का? Yes. चल आगे चले. We go for something called as मेटाफेस. प्रोफेस का डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं मैं ताकि रेफरेंस के लिए हमको याद रहे कि कहां पे हम एंड किए. प्रोफेस में क्या था? एक सेल था. सेल के पास क्या था? सेंट्रियोल था. सेंट्रियोल से क्या निकल रहे थे? ये सिर्फ बनने शुरू हुए थे, बराबर है? बने नहीं थे, ये सिर्फ बनने शुरू हुए हैं, करेक्ट. सेंटर पे हमारे पास क्या था? स्पिंडल फाइबर्स, मतलब क्रोमोसोम्स थे हमारे पास जो कुछ बने हुए हैं ऐसे, बराबर है. थोड़ा आगे चले. वी कम फॉर द नेक्स्ट विच इज मेटाफेज. अब मेटाफेज में एग्जैक्टली हो क्या रहा है वो हमको देखना है. सो इन मेटाफेज जो हमारा सेल है उसके अंदर के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सारे के सारे क्रोमोसोम्स सेंटर में आके लाइन में खड़े हो जाते हैं, ठीक है. तो फिलहाल हम वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम पढ़ रहे हैं. 46 पेयर होने चाहिए, हम एक ही पेयर पढ़ रहे. सो दैट सिंगल पेयर इज दिस. Yes or no? Yes. Everyone? Yes. Jagre? Yes. Single pair hai yahan pe. Yes. So we are having single pair which is coming in a line. Aise. Barabar hai? Ye ek sister chromatids ho gaye. Yes. Aur ye ho gaya dusra sister chromatid. But chromosome kitna hai ye? Eight. Nadali kitne the ye chromosome? Eight. Hum kyun ek hi consider kar rahe hain Rutuja? इट हैज कॉमन सेंट्रोमियर. क्या है सुशांत? इस वजह से हम इसको क्या कंसिडर करें कि ये है एक ही क्रोमोसोम. करते हैं जाओ या कुड़े. सो सारे क्रोमोसोम सेंटर पे आके अलाइन हो जाते हैं, दिख रहा है अपने को कि वो सेंटर पे आके अलाइन हो गए. अब जब वो सेंटर पे आके अलाइन हो रहे हैं तो इस सेंट्रल पे एक एक्सिस है, देखो ऐसा दिख रहा है. सो क्रोमोसोम्स अलाइन देमसेल्व्स एट सेंट्रल एक्सिस. इसे क्या कहते हैं हम? सेंट्रल एक्सिस. सेंट्रल एक्सिस धरती याद है, ज्योग्राफी पढ़े थे हम. और ग्लोब के ऊपर एक ऐसा सेंटर में लाइन आ रहा था, कौन सा लाइन था वो? इक्वेटर. तो इसको हम इक्वेटोरियल प्लेट भी कह सकते हैं क्योंकि वो इक्वेटर की तरह सेल को दो हाफ में बांट रहा है. ये इमेजिनरी लाइन होता है, एक्चुअली लाइन नहीं बनता. क्रोमोसोम्स कुछ इस तरीके से सेंटर पे आके खड़े रह जाते हैं कि वो इमेजिनरी लाइन दिखता है और उस लाइन को या उस एक्सिस को कॉल इट एज सेंट्रल एक्सिस या फिर इक्वेटोरियल प्लेट. यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज मेटाफेजिक मेटाफेजिक प्लेन. यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज मेटाफेजिक प्लेन. आर वी क्लियर अप टिल हियर एवरीवन? एनी डाउट्स? चलो आगे. इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे सेंट्रियोल थे, बराबर है? सेंट्रियोल से कुछ स्पिंडल फाइबर्स बाहर निकल रहे थे. ये स्पिंडल फाइबर्स बाहर निकल के कुछ इस तरीके से क्रोमोसोम्स पे अटैच हो जा रहे हैं, दिख रहा है? करेक्ट. अच्छा ओंकार कहाँ पे अटैच होता है ये बेटा? काइनेटोकोर्स. वेरी गुड. दे अटैच है काइनेटोकोर्स. सो स्पिंडल फाइबर्स अराइज फ्रॉम सेंट्रियोल एंड दे विल अटैच टू क्रोमोसोम At what region? Kinetochore area. ये बहुत ही ज्यादा important है, तुमको याद रखना होगा ये, ठीक है? कि वो जो है kinetochore area में attach होता है. This is the area where spindle fibers bind to the chromosomes. Are we clear? Yes. Everyone? Yes. आसान है? Yes. चले आगे. अच्छा
इस पर्टिकुलर फेस में क्रोमोसोम्स जो है वो सबसे ज्यादा अपने आप को श्रिंक करके रखे हैं। ऐसा क्यों सर? देखो, अगर तुम घूमने जा रहे हो, ठीक है, लेट्स से लोणावळा अपन जाता है फिरायला, आता उद्या संध्याकाळी 6 वाजता आपल्याला जायचंय, तर आता आपण बॅग पॅक करून असं रेडी बसणार आहेत का? नाही। उद्या सकाळी सुद्धा आपल्याला काहीतरी सामान असावे, सामान आपल्याला हवे असेल बॅग मधून, ठीक आहे। 6 वाजता आपल्याला लोणावळा पोहोचायचंय। लेट्स इमॅजिन की 1 घंटे का रास्ता आहे, मुझे पता की 1 घंटे का रास्ता नाही आहे, इमॅजिन चार्टर प्लेन आ रहा है, 1 घंटे में पहुंचा रहा है, ठीक है। लेट्स से कि 1 घंटे में उधर हमको पहुंचना है, हम 5 बजे घर से निकलने वाले हैं, ठीक है। तो हम 4 बजे बैग को एकदम टाइट पैक करके रखेंगे ना, कि अब इसमें से कुछ नहीं निकालेंगे भाई। यस और नो? यस और नो? उसके पहले तक तो वो बैग पैक तो किया है, लेकिन थोड़ा अनपैक जैसा रहेगा, कि कुछ चीजें और डालनी है हमको। वैसे ही प्रो फेस में क्रोमैटिन फाइबर्स कंडेंस तो हो जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से कंडेंस होकर एग्जैक्ट क्रोमोसोम नहीं बनता, कुछ ऐसा वाला शेप रहता है, ऐसा। बट हमको ऐसा वाला क्रोमोसोम नहीं चाहिए, हमको ऐसा वाला क्रोमोसोम चाहिए ना, एकदम टाइटली पैक्ड है। ये हमको कब दिखता है? मेटाफेज। सो स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स कैन बी, दैट इज क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर अगर हमें देखना होगा तो कौन से फेस में दिखाई देता है? मेटाफेज। सो स्टडी ऑफ क्रोमोसोम स्ट्रक्चर कैन बी डन एट मेटाफेज। समझ रहे हैं क्या? नहीं समझ रहे? क्लियर है? ओमकार ऐसा क्यों करेंगे हम? मेटाफेज क्रोमोसोम में ही, मेटाफेज वाले क्रोमोसोम से क्यों बेहतरीन स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं अपने को? बिकॉज सुशांत अथर्व, क्यों हम मेटाफेस वाले क्रोमोसोम को या मेटाफेस में ही क्रोमोसोम को अच्छे से स्ट्रक्चर देख पाते हैं? आदित्य, टाइटली पैक्ड होते हैं। एग्जैक्टली, दे आर टाइटली पैक्ड, सो दे आर बिकॉज क्रोमोसोम्स आर highly condensed at this particular phase. Understood? के नहीं समझा? मेटाफेज में क्रोमैटिन फाइबर्स श्रिंक होते हैं, सॉरी प्रोफेज में क्रोमैटिन फाइबर्स श्रिंक होते हैं, दैट इज कंडेंस हो जाएंगे और क्रोमोसोम बनाते हैं। लेकिन क्रोमोसोम का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर हमको कौन से फेस में दिखाई देता है? क्यों मेटाफेस में दिखाई देगा? बिकॉज इस फेस में क्रोमोसोम्स हाईली कंडेंस्ड है, दे आर हाईली कंडेंस्ड। आर वी क्लियर? इफ यू अंडरस्टैंड, हाईली कंडेंस्ड होने की वजह से क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हमको मेटाफेस में बेहतरीन तरीके से दिख जाता है। क्लियर है? समझा यहां तक? अच्छा, अब थोड़ा कल के लेक्चर पे जाओ। कल के लेक्चर में हमने क्या देखा कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, सॉरी जो सेल होता है वो 5 फेसेस में डिवाइडेड है, करेक्ट? हाँ, कौन से हैं? सेल 4 फेस में डिवाइड होता है। सेल के 4 फेस प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस है। सेल बोल रहा हूँ, सेल विच इज आई फेस एंड एम फेस, आई फेस वाले डिवाइड इनटू 3, टोटल कितने हुए? G1, S, G2, N, बराबर है, 4 फेसेस में डिवाइडेड है कि नहीं? अब वो 4 फेसेस में जब डिवाइडेड था उसमें से M फेस को कितना टाइम दिया गया था? 5% विच इज हाउ मच आवर? 1 to 2 आवर। चलो हम पकड़ के चल रहे सबसे कम है तो 1 ही घंटा चल रहा है वो फेस। अब M फेस है ना माइटोटिक फेस, अगर मुझे क्रोमोसोम पढ़ना है तो मैं इंटरफेस में पढ़ सकता हूँ क्या? एम फेस में जाना पड़ेगा। एम फेस में भी स्पेसिफिकली हमें कौन से फेस में जाना है? अब ये मेटाफेस इज वन ऑफ द 5 फेसेस ऑफ एम फेस। एम फेस के 5 फेस कौन से बताओ बोला अभी फटाफट? साइटोकाइनेसिस, बराबर।
Yes or no? Yes. अब ये एक घंटे को विच इज 60 मिनट्स को अगर पांच पार्ट में डिवाइड करना है तो 12-12 मिनट ऑलमोस्ट हुआ. इक्वल तो नहीं होता बट हम कंसिडर करके चल रहे कि चलो 12 मिनट हो रहा है तो 10 से 15 मिनट ही सिर्फ ये है. अब पूरे 24 घंटे में से 10 से 15 मिनट के लिए ही सेल सिर्फ स्पेस में जाता है कि नहीं? Yes. है ना. अब वो 10 से 15 मिनट कोई भी हो सकता है. अब अगर मुझे क्रोमोसोमल स्टडी करना है, लेट्स से कि कल सुबह उठ के तृप्ति जो है वो बन गई एक गायनेकोलॉजिस्ट, ठीक है, और गायनेकोलॉजिस्ट बनने के साथ साथ शी इज ऑल्सो स्पेशलिस्ट ऑफ आईवीएफ टेक्निक. अब उसने आईवीएफ टेक्निक किया, उसके पास एक क्लाइंट आया, वो क्लाइंट का उसने आईवीएफ टेक्निक करने वाली थी, लेकिन पहले उसे देखना होगा ना कि एग बराबर से बन रहा है या नहीं, स्पर्म सेल बराबर से बन रहा है या नहीं. उसने सब देखा बराबर है. अब वो स्पर्म सेल एग सेल उसने मिक्स किया, मिक्स करके बेबी के अंदर, मतलब बेबी के अंदर बेबी के अंदर डाल दिया उसने, ठीक है, जो फीमेल है उसके अंदर डाला. अब वो बेबी डेवलप हो रहा है, ठीक है. तृप्ति का फर्स्ट एक्सपीरियंस था और वो सक्सेसफुल हुआ. डॉक्टर बनने के बाद पहली बार कोई पेशेंट आया कि हाँ भी मेरे को बच्चा पैदा करना है, तुम करके दो. उसने करवा के दिया वो चीज. अब वो बेबी जो है डेवलप हो रहा है. पांच महीने के बाद तृप्ति को लगता है कि अगर बेबी अबनॉर्मल हुआ तो ये तो मेरा जान खा जाएंगे, है ना. बेबी अबनॉर्मल हो है या नहीं वो हम कैसे जान सकते हैं सर? वो हम क्रोमोसोम्स से जान सकते हैं. क्रोमोसोम्स का स्टडी हम कैसे करें सर? देखो, लेट्स से सपोज कि ये मम्मी का पेट है जिसमें बच्चा ग्रो हो रहा है, ठीक है. उसके अंदर होता है बच्चा दानी, हिंदी में तो बच्चा दानी बोलते हैं, मराठी में क्या मिलता है मेरा माइक नहीं, इंग्लिश में वॉटर बैग बोलते हैं, वॉटर बैग ग्रोप म्हणतात, मला तुमच्या दुसऱ्या मित्रांनी सांगितलं पिशवी म्हणतात त्याला, पिशवी फाटली पिशवी फाटली. अब क्या बोलते मराठी में मेरे को पता नहीं, इंग्लिश में वॉटर बैग बोलते हैं, हिंदी में बच्चा दानी बोलते हैं. अब तुम्हें क्या बोलते मुझे पता नहीं. चलो कमिंग बैक, यू हैव अ वॉटर बैग, मतलब एक बेसिकली टिश्यू का लेयर होता है जिसके अंदर न्यूट्रिटिव फ्लूइड होता है और उस न्यूट्रिटिव फ्लूइड के अंदर बच्चा जो है वो डेवलप हो रहा है, ठीक है. ये जो बच्चा यहाँ पे डेवलप हो रहा है अंदर, वो सेल्स से टिश्यू बना रहा है, टिश्यू से ऑर्गन्स बना रहा है और बच्चा ग्रो रहा है, वो कि ना है? Yes. कुछ सेल्स ना इस फ्लूइड में भी रहते हैं, कुछ सेल्स इस फ्लूइड में भी रहते हैं. तो हम क्या करते हैं, इस फ्लूइड को इंजेक्शन के द्वारा सक कर लेते हैं और इस फ्लूइड के अंदर के सेल्स को फाड़ के या सेल्स को हम मेटाफेज में अरेस्ट कर लेते हैं. अरेस्ट समझता है, अटका के रख देते हैं. हम सेल्स को मेटाफेज में अटका के रख देंगे और फिर हम क्रोमोसोमल स्टडी कर सकते हैं. अंडरस्टूड कि नहीं समझा? देखो, अगर मुझे जानना है ना अथर्व कि जो बच्चा डेवलप हो रहा है या इन जनरल कि ये लड़का होगा या लड़की होगी, या फिर अगर मुझे ये जानना है कि इस पर्टिकुलर डीएनए टेस्ट करना होगा कोई भी चीज, तो बेसिकली मेरे को क्रोमोसोम चाहिए ही चाहिए. क्रोमोसोम्स को मुझे देखना ही देखना है, तो मैं सिर्फ मेटाफेस में उसको देख पाऊंगा. अगर मुझे सिर्फ मेटाफेस में देखना है तो मैं वो 10-15 मिनट के स्लॉट में नहीं देख पाऊंगा ना. मैं कब उसका प्रिपेरेशन करूं, कब उसको स्टेन करूं, कब उसको ऑब्जर्व करूं, ऑब्जर्व करने तक अगर वो एनाफेस में चला गया तो मेरा तो सारा टाइम और सब पूरा काम जो पूरा मैं ऐसा हाँ इतना तामझाम किया वो सब वेस्ट. तो हम वो नहीं करते. हम क्या करते हैं, हम एक केमिकल के मदद से सेल्स को इसी फेस में अटका के रखते हैं. एक बार सेल जब डिवाइड होना शुरू करता है ना, दिमाग में गांठ बांध के रखो इस चीज को, एक बार जब सेल डिवाइड होना शुरू करता है ना, अगर वो आगे नहीं जा पाता तो पीछे तो बिल्कुल भी नहीं जा पाएगा. समझा कि नहीं समझा? देयर इज नो लुकिंग बैक, यू हैव टू गो अहेड इज व्हाट द सेल साइकिल सेज. सेल साइकिल हमको जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट सीख दे रहा है कि जिंदगी में जब कोई चीज हम हासिल करना चाहते हैं तो उसको पूरा करो, पीछे मुड़ के मत देखो कि काश हमने कॉमर्स ले लिया होता, ठीक है. मेडिकल के लिए जा रहे तो उसके लिए स्ट्राइव करो, रगड़ते रगड़ते ही सही,
बट हमारे मार्क्स जो 630, 680, 650, 670 चाहिए वो लेकर ही छूटना है, समझा? तो वो कैसे करता है सेल? विद द हेल्प ऑफ सर्टेन केमिकल्स। अब हम नहीं चाहते कि सेल आगे बढ़े बिकॉज हमें उसको मेटाफेज में स्टडी करना है। मेटाफेज में क्यों स्टडी करना है आपको प्रथमेश? बिकॉज इस फेज में क्रोमोसोम्स बेस्ट दिखाई देते हैं अपने को, बराबर है? अब अगर इस फेज में क्रोमोसोम्स तंत्रियों को बेस्ट दिखाई दे रहे हैं, हम केमिकल का इस्तेमाल करें। सर अभी बताओ ना कौन सा केमिकल? बता दो। यू हैव अ केमिकल कॉल्ड एज कॉल्चिसिन विच इज यूटिलाइज्ड। अगर ये काम नहीं कर रहा है तो हम दूसरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका नाम है टैक्सोल। चलो देखते हैं कि क्या और कैसे काम करता है। क्या होता है, लेट्स से कि ये हमारा सेंट्रियोल है, बरोबर? सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर्स बनाता है, yes. है कि नहीं? स्पिंडल फाइबर्स बनता किस केमिकल से बनता है बताओ जरा? मुझे पता ही था कि तुमने पढ़ा नहीं होगा, इससे तेरे को ही पूछा मैं। स्पिंडल फाइबर्स किस केमिकल से बना है पार्थ? माइक्रोट्यूब्यूल से बनता है, ओके ना श्रुति? माइक्रोट्यूब्यूल कौन से प्रोटीन से बना है? तुम लोगों को शर्म आ रहा है? थर्सडे तुम्हारा टेस्ट है इस चैप्टर का और कुछ पढ़ के नहीं लग रहा है तुमने, बताओ तन्वी? मैत्रे, श्रावणी, यू हैव ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। कौन से ट्यूब्यूलिन है? अल्फा एंड बीटा। क्या होता है? अल्फा है, बीटा आया, फिर अल्फा आया, फिर बीटा आया, ऐसे एक 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 करके पॉलीमर बन रहा है। पॉलीमर यानी क्या? चेन, प्रोटीन का चेन बना और वो जाके अटैच हुआ किसको? काइनेटोकोर। समझा कि नहीं समझा? क्या होता है, सेंट्रियोल है हमारे पास जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल है, लेकिन उस माइक्रोट्यूब्यूल को अभी आगे जाके स्पिंडल फाइबर बनाना है। जब उसको आगे जाके स्पिंडल फाइबर बनाना है तो ये अल्फा और बीटा ट्यूब्यूलिन जो है वो जुड़ते जाता है, अल्फा बीटा जुड़ते जाता है और जुड़ के वो काइनेटोकोर को अटैच हो जाएगा, समझा? अब कॉल्चिसिन क्या करता है कि जब ये पॉलीमराइज हो रहा होगा ना, when it is getting polymerized, बीच में ही वो आ जाता है और ऐसे अटैच हो जाएगा अल्फा से या बीटा से, जो भी उसको मिला उससे। अब जब कॉल्चिसिन अटैच हो गया तो बीटा को अल्फा दिखेगा ही नहीं, अल्फा के साथ बाइंड ही नहीं करेगा। अल्फा के साथ बाइंड नहीं करेगा तो जो ये स्पिंडल फाइबर है उसका चेन बनने का प्रोसेस बीच में अटक गया, यस और नो? अब देखो क्रोमोसोम तो ऐसे फैल के खड़ा है उसके काइनेटोकोर को लेके, वो राह देख रहा है कि कब आएगा स्पिंडल फाइबर, कब मेरे को बाइंड करेगा, कब आएगा, कब मेरे को बाइंड करेगा। क्या वो प्रोफेज में जा सकता है? नहीं। क्या वो एनाफेज में जा सकता है? अटक गया बीच में। मुझे क्या चाहिए था? अटक गया, मेरा काम हो गया। दैट इज हाउ कॉल्चिसिन फंक्शंस। कॉल्चिसिन क्या कर रहा है, जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं उनको पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में इनहिबिट कर देता है, इनहिबिट यानी रोक देता है। So, इसको क्या करेंगे, इसका फंक्शन क्या होगा कॉल्चिसिन का? इट विल इनहिबिट पॉलीमराइजेशन, इट विल इनहिबिट पॉलीमराइजेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, दैट इज माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल के पॉलीमराइजेशन को वो इनहिबिट कर देगा, बिकॉज ऑफ विच द सेल विल गेट अरेस्टेड एट मेटाफेज ओनली। सो आई विल राइट दैट स्टेटमेंट ऑल्सो, वी कैन अरेस्ट सेल्स एट मेटाफेज फॉर स्टडी ऑफ क्रोमोसोम। आर यू क्लियर? विद द हेल्प ऑफ टू केमिकल्स, कॉल्चिसिन एंड टैक्सोल। आसान? कॉल्चिसिन का सबको समझा? हर्ष समझा बेटा? पक्का? ओंकार, सुशांत, मंदार पक्का समझा या खाली? यस।
तन्वी, श्रावणी, नक्की, पक्का, चले आगे, शर्वरी, चलो, नेक्स्ट इज टैक्सोल। टैक्सोल थोड़ा उल्टा काम करता है। उल्टा मतलब क्या सर? ये हो गया काइनेटोकोर, ये हो गया सेंट्रियोल, यहां से बन रहा है अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा, और जाके वो काइनेटोकोर को अटैच हो गया। अब क्या होता है, काइनेटोकोर को अटैच हो गया ये, अब क्या करेगा स्पिंडल फाइबर, जो दो क्रोमैटिड्स है ना उसको खींचेगा। अब जब उसको खींच रहा है तब वो ऐसे नहीं खींचता, वो हाथ को छोटा कर देता है। समझा कि नहीं समझा? क्या होता है, सपोज ये सारे मैग्नेट है, इमेजिन ऑल ऑफ दीज टू बी मैग्नेट, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि ये मैग्नेट का जो चेन है ना वो छोटा हो जाए, तो तुम क्या करोगे, मैग्नेट को ऐसे पीछे खींचते हो क्या? तुम क्या करोगे? बट वो चेन रहना चाहिए, मुझे खाली चेन को छोटा करना है ताकि इधर जो बंधा हुआ चीज है ना वो मेरे पास आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, मैग्नेट निकाल दूंगा। यस और नो? सेम चीज करते हैं। जनरली क्या होता है, जब हमको क्रोमोसोम जो यहां पर कुछ ऐसा है ना, कुछ ऐसे है क्रोमोसोम, अरे हाँ के नहीं, ये क्रोमोसोम को मुझे इस तरफ खींचना है, तो यहां से अल्फा और बीटा हम निकाल देते हैं, तो ये अल्फा ये बीटा को अट्रैक्ट करेगा, यस और नो? तो ये पीछे आएगा, फिर मैंने ये अल्फा और ये बीटा निकाल दिया तो ये पीछे आएगा, ये पीछे आएगा, तो इसको खींच के आएगा ना, ये नहीं समझ रहा है? हम इमेजिन कर पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ वो? ये अल्फा और बीटा जो है ना, वो अल्फा और बीटा इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, जब इसको अट्रैक्ट करेंगे तो ये पीछे मैग्नेट की तरह टपाक करके पीछे आएगा, और जो पीछे आ रहा है तो क्रोमोसोम को खींचते हुए आ रहा है। समझा कि नहीं? इस प्रोसेस को यू कॉल इट एज डी पॉलीमराइजेशन। ये पॉलीमर बन रहा था, ये क्या होगा, डी पॉलीमराइजेशन, डी पॉलीमराइजेशन, बिकॉज पॉलीमर जो बना था उसको मैं तोड़ रहा हूं, सो दिस इज डी पॉलीमराइजेशन, दिस इज डी पॉलीमराइजेशन। सो टैक्सोल क्या करता है, इट विल इनहिबिट डी पॉलीमराइजेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स दैट इज माइक्रोट्यूब्यूल। आसान कि नहीं? माइक्रोट्यूब्यूल क्या करे, टैक्सोल क्या करेगा, माइक्रोट्यूब्यूल का डी पॉलीमराइजेशन को इनहिबिट कर देगा, रोक देगा। आप इस क्लियर? यानी ये जो अल्फा बीटा लगे है ना, इसके ऊपर लग जाएगा तुम्हारा टैक्सोल, इसके ऊपर लग जाता है टैक्सोल, टैक्सोल लग जाएगा तो ये श्रिंक ही नहीं हो पाएगा, उसने तानी हला गट सॉलिड बनून ठेवले, तर आता हा डीपॉलिमराइज होऊच नाही शकणार। जरा डीपॉलिमराइज नाही होणार तर क्रोमोसोमला कायनेटोकोर, क्रोमोसोमच्या कायनेटोकोरला स्पिंडल फायबर्स अडकले, पण ते स्पिंडल फायबर्स त्याला खेचतच नाही, त्याला ओढतच नाही। आता जर ओढलं नाही तर तो प्रोफिस मध्ये जाऊ शकतो का? तो एनाफिस मध्ये जाऊ शकतो का? आता कुठे झालाय तो अडकलाय, कळलं? मला काय हवं होतं, सेल्स गेट अटॅच, सेल गेट्स अरेस्टेड ऍट मेटाफेज, मेरा काम हो गया। yes. तो इस तरीके से हम कोल्चिसन और टैक्सोल के मदद से सेल्स को मेटाफेज में इनहिबिट करके रखेंगे। अंडरस्टूड के नहीं समझा? क्लियर है कॉन्सेप्ट सबको? अच्छा, थोड़ा सा बैक में जाते हैं। हमने कल पढ़ा था कि कैंसर क्यों होता है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। क्या मैं चाहता हूँ वो सेल डिवीजन बढ़ता रहे? मेडिसिन देंगे ताकि वो सेल डिवीजन रुक जाए। हमने सेल डिवीजन को रुकाया है ना यहाँ पे, इसकी मदद से, इनके मदद से रुकाया हमने सेल को मल्टीप्लाई होने से। दीज टू केमिकल्स कैन ऑल्सो बी यूज फॉर इनहिबिटिंग कैंसर ग्रोथ। कैंसर का आगे बढ़ने से रुकाने के लिए हम इसका इस्तेमाल
कर सकते हैं ताकि सेल का मल्टीप्लिकेशन रुक जाए। क्लियर है? yes. समझा सबको? yes. और नॉट सो घुमा के तुम्हारे जो रेफरेंस बुक्स तुम सॉल्व करोगे ना उसमें घुमा के क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है दैट विच केमिकल कैन हेल्प इन इनहिबिटिंग कैंसर सेल रेप्लिकेशन। क्या लिखेंगे? आसान हो गया चीज, कॉन्सेप्ट पूरा समझा। मेटाफेज में क्या हुआ बेटा लोग, जो क्रोमोसोम्स थे वो हाईली कंडेंस हो गए, एकदम श्रिंक हो गए और एकदम सुंदर बन गए। अब ये सुंदरता ही देखनी होती है, कुरूपता किसी को देखना होता है क्या? सुंदरता ही देखनी है। सुंदर कौन से फेस में हुए? मेटाफेज। लोग हमेशा खूबसूरत कब दिखते हैं? जवानी में दिखते हैं। जवानी वाला फेस कौन सा है? बीच वाला फेस। बच्चे हैं तब तो क्यूट होते हैं, खूबसूरत नहीं होते, वो क्यूट होते है ना। खूबसूरत कब होते हैं? जवानी में, है कि नहीं? उनका शर्मा क्यों रहा है? बराबर है। बुढ़ापे में कोई खूबसूरत दिखता नहीं है, बुढ़ापे वाले किसी को देखने नहीं है, बच्चे क्यूट होते हैं, खूबसूरती ही देखनी होती है। सो क्या हो रहा है यहाँ पे? हम देखना चाहते हैं क्रोमोसोम्स को बीच वाले स्टेज में, मेटाफेज, जहां पे वो कंप्लीटली श्रिंक्ड है, एकदम श्रिंक्ड है। श्रिंक्ड हो जाने की वजह से वो सेंटर पे अलाइन हो जाते हैं। वो सेंट्रल एक्सिस को हम इक्विटोरियल प्लेट कह सकते हैं या फिर मेटाफेसिक प्लेन कह सकते हैं। बरोबर है? इसके अलावा उस फेस में स्पिंडल फाइबर्स पूरी तरह से बन चुके हैं और क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर रीजन में जाके अटैच हो गए। ठीक है? इसके बाद क्या हो रहा है कि वो जो क्रोमोसोम्स होंगे वो एक दूसरे की तरफ खींचे जाएंगे, यानी एक दूसरे के अगेंस्ट, एक्चुअली तरफ नहीं, पोल्स के तरफ जाएंगे, बट वो जाएंगे अगले फेस में। इस फेस में इतना ही होता है। क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट्स? पक्की बात? अच्छा, माइटोसिस का सबसे लंबा फेस कौन सा है? हर्ष, माइटोसिस का सबसे लंबा फेस कौन सा है? बीमार है तो नींद में डाटा तेरे को प्रोफेसर ने भी, फिर उदास है, गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई, खाना नहीं मिला, भूख लगा है, नींद आ रहा है, तो ऐसी शक्ल लगी क्यों बैठा है? दोस्त ने धोखा दिया? बता चल फटाफट, सबसे लंबा फेस कौन सा है? ऑन रिकॉर्डिंग जूता खाएगा तू? मैत्रे बता। कौन सा फेस? तेरे टीलों के फेस को मारेगा मैं। जो चीज पढ़ा नहीं वो तू पहले पढ़ लिया। Which is the longest face? Prophase. Which is the longest face? Prophase. याद रहेगा? क्या रे गधड़े, हाँ बटाटे की गोली जैसा कभी पड़े रहते हैं एक जगह पे, अकल नहीं लगाना है अपने को। क्लियर है सबको? yes. पक्की बात? yes. अच्छा, अब क्योंकि क्रोमोसोम सबसे सुंदर इस फेस में दिखाई देते हैं तो हम उसे देखना चाहते हैं। कैसे देखेंगे? ऐसे ही मूर्ति में उसको रुका देंगे हम, सेल को इसी फेस में अरेस्ट कर लेंगे विद हेल्प ऑफ टू केमिकल्स। बताओ कौन से? कौन सा? कोल्चिसिन एंड टैक्सोल। अच्छा, कोल्चिसिन किस प्रकार अरेस्ट करेगा सेल को? उसके पॉलीमराइजेशन को स्टॉप कर देगा। किसके? स्पिंडल। और टैक्सोल क्या करेगा? वो डीपॉलीमराइजेशन अटका देगा। किसका? इस वजह से क्या हो रहा है? अथर्व, सेल इज गेटिंग अरेस्टेड एट, अथर्व सेल इज गेटिंग अरेस्टेड एट तेरा कोई भी फेस हुआ, तू सेल को कौन से फेस में अटकाना चाहता है? कोई भी क्यों नशे में बैठा है? हाँ चरस ले गांजा, हाँ भांग पी के बैठा है, ये समझता नहीं क्या बोल रहे। हाँ सेल्स विल अरेस्ट एट मेटाफेज। क्यों हम मेटाफेज में अरेस्ट करना चाहते हैं? विनील तू विनील है? हाँ विनील बताओ। विनील नहीं, अपना
आदर्श करेक्ट बोल दे मार दे खाएगा कौन टाइटली पैक्ड है राइबोसोम टाइटली पैक्ड सब नशे में बैठे आ रहे क्लियर है पूरा कॉन्सेप्ट पक्का लिखे चलो क्विकली राइट डाउन हाँ बोलो नहीं नहीं अल्फा को भी लग सकता है बीटा को भी लग सकता है क्या क्या एंड अंडरस्टैंड फर्दर अबाउट एनाफेज Now, what exactly happens in anaphase? Anaphase में क्या होता है? Anaphase में काफी सिंपल चीज होता है ये हमारा सेल है जो कुछ उस प्रकार सेंट्रियोल्स जो है वो क्रोमोसोम से अटैच थे अब ये सेंट्रियोल्स में से जो स्पिंडल फाइबर्स निकल रहे हैं वो डीपॉलीमराइज हो जाएंगे है ना अब जब वो डीपॉलीमराइज हो जाएंगे तो सेंट्रोमियर पे मतलब काइनेटोकोर पे अटैच्ड है वो तो काइनेटोकोर सेंट्रोमियर का पार्ट है तो उनका जब काइनेटोकोर खींच रहे हैं तो सेंट्रोमियर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तो जो सिस्टर क्रोमैटिड्स थे वो सेपरेट हो जाएंगे कुछ इस प्रकार सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगे Yes or no? Yes. नीचे वाले के भी सिस्टर क्रोमैटिड्स ग्रीन वाले का भी सेपरेट हो गया Yes or no? Yes. Everyone? Yes. अच्छा अब ये सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो गए तो मेरे पास वेदांशी कितने क्रोमोसोम्स है इस वक्त वेदिका उर्वा मुग्धा Why four? The centromere has been separated from the centromere. So, जितने centromere, उतने chromosomes. कितने centromere हैं? चार. तो कितने chromosomes हुए? चार. उधर कितने थे? दो. कितने chromosomes थे? दो. यानी one pair. Yes. वेदांशी अभी कितने हैं? फोर क्रोमोसोम्स पैर वेर का ना है फोर क्रोमोसोम्स करते हैं है मतलब एक पैर इसका दो न्यूक्लियस बनेगा ना समझा कि नहीं तो यहाँ पे हमारे पास है दो क्रोमोसोम्स और दो क्रोमा चार क्रोमोसोम और चार क्रोमैटिड्स चार क्रोमैटिड्स तो एस फेज में ही बन गए थे ना हमारे कल यस और नो क्रोमोसोम्स का डुप्लीकेशन कब हुआ एनाफेज समझा द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इंक्रीजेस ड्यूरिंग डैश फेज याद रहेगा कि नहीं चलो आगे अच्छा तो इस फेज में एग्जैक्टली हुआ क्या एनाफेज में यू हैव स्पिंडल फाइबर्स ये ग्रीन कलर दिखता है पीछे चलो ब्लू कर देते हैं अपन क्या हो रहा है यहां पे स्पिंडल फाइबर्स पुल सिस्टर क्रोमैटिड्स टुवर्ड्स पोल एंड ब्रेक सेंट्रोमियर इंटू सिस्टर क्रोमैटिड्स को पुल करेंगे सेंट्रोमियर टूट के दो बन जाएंगे सो यहां पे क्या हुआ दस सिस्टर
क्रोमैटिड्स गेट सेपरेटेड ड्यूरिंग एनाफेज, है ना, जिसे अब हम क्या कहते हैं, डॉटर नहीं क्रोमोसोम, वी कॉल इट एज डॉटर क्रोमोसोम। आसान, एनी डाउट्स? बस इतना ही होता है। हमने देखा प्रोफेज में कितना सारा हुआ था, मेटाफेज में कितना सारा हुआ, इसमें इतना सही हुआ, इस वजह से यू कॉल एनाफेज टू बी शॉर्टेस्ट फेज। एनाफेज विल बी शॉर्टेस्ट फेज। सुशांत लॉन्गेस्ट कौन सा है, लॉन्गेस्ट कौन सा है सुशांत? कौन सा लॉन्गेस्ट है, बोलेगा या सुना उसका, उसने क्या बोला, वो मुझे सुनाई दिया, तेरे को सुनाई नहीं दिया, छमड़ खाएगा जोर का ऐसा तू, कौन सा है, जोर से बोल, जोर से बोल, जोर से बोल, बाहर जो आवाज में निकलता है वो प्रोफेस में सबसे ज्यादा काम होता है, इस वजह से दैट इज द लॉन्गेस्ट फेस एंड विच इज द शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट कौन सा है, शॉर्टेस्ट कौन सा है, लॉन्गेस्ट कौन सा है, याद रहेगा सुशांत? हाँ हाँ क्या, कुछ नहीं, बैटरी सेवर पे, बैटरी कम रहेगा उसको। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे। अच्छा, जब हम एनाफेज का बात करते हैं ना, उसमें होता इतना ही है, लेकिन दिखता बहुत कुछ है अपने को। अब ये बहुत कुछ जो दिख रहा है वो हमको क्या दिख रहा है, आई विल इरेज दिस पार्ट नाउ, सबका हो गया लिख के। चलो अब क्या क्या दिखता है अपने को, देखो मेटाफेज गायब हो गया, चलो इधर बना देते हैं, ऐसे था मेटाफेज, बराबर। अब क्या होता है, एनाफेज में हमको अलग अलग टाइप के स्पिंडल फाइबर्स दिख जाते हैं, दिखते मेटाफेज में भी है, एनाफेज में सारे दिखते हैं। सो वी अंडरस्टैंड अबाउट टाइप्स ऑफ spindle fibers which we tend to see only in anaphase. First type of spindle fiber is called as astral waves, you call it as astral waves, astral, aster yani star, yahan pe star ka matlab hai centriole, to astral rays yani ke ye cell hua ye tumhara centriole hua, जो फाइबर्स, जो स्पिंडल फाइबर्स सेंट्रियल से निकल के तुम्हारे सेल मेम्ब्रेन तक जाते हैं, ये दिख रहा है, इन्हें हम कहते हैं एस्ट्रल रेज। आसान। दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं इंटर ओलार फाइबर्स, कॉल इट एज इंटर ओलार फाइबर्स, इंटर यानी बिटवीन, पोलार यानी पोल, फाइबर्स यानी स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है, दो पोल पे कौन है, तो दो सेंट्रियल के बीच में जो फाइबर बनेगा ना वो हो जाएगा तुम्हारा इंटरपोलार फाइबर्स। तो ये हो गया तुम्हारा सेल, ये हो गया सेंट्रियल, बीच में यहाँ पे क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, बराबर है, एक सेंट्रियोल से दूसरे सेंट्रियोल पे जो जाएगा उसे हम कहेंगे इंटरपोलर फाइबर्स। क्रोमोसोम को वो छुएगा ही नहीं, बिना छुए वो जा रहा है, दिख रहा है, इसे क्या कहेंगे, इंटरपोलर फाइबर्स। ऐसा क्यों होता है सर, देखो अगर मुझे दरवाजा खोलना रहेगा तो मैं एक पैर पीछे डालूंगा, दरवाजा जाम हो गया लेट्स से और अंदर की तरफ खुल रहा है, तो ऐसे एक पैर पीछे रहेगा मेरा फॉर सपोर्ट, ताकि मैं गिरू ना जब मैं ऐसे जा रहा हूं, एक हाथ मेरा दीवार पे रहेगा, दीवार इज वन पोल,
my hand is another pole. So I will have interpolar fibers. Yes. I will have astral rays. Yes. अब मैं दरवाजे के हैंडल पे हाथ डालूंगा और खींचूंगा दरवाजा. यस और नो? यस. सो ये क्या हो गया? किसको खींचना है मेरे को? क्रोमोसोम. तो ये एक फाइबर हुआ. yes. जो क्रोमोसोम को अटैच कर रहा है. yes. ये कौन से फाइबर हुए? बराबर क्रोमोसोमल फाइबर्स. क्रोमोसोमल फाइबर्स क्रोमोसोम को कौन से जगह पे अटैच करेंगे सुशांत? नहीं, कहां पे अटैच करता है हर्ष? तू नोट्स लिखा अभी? ओपन कर. लिखा नोट्स तो अभी क्या कर रहा था? अभी क्या किया तू? क्यों इधर देखो सब समझा? हाँ हाँ बोल रहे ना बोल रहे? तो तेरे को पता होना चाहिए. अभी जस्ट पढ़े आपने स्पिंडल फाइबर्स किधर अटैच होते हैं क्रोमोसोम को? हर्ष किधर अटैच होते हैं? हाँ ये प्रोफेस है. हम मेटाफेस पढ़ रहे हैं. नशे में बैठते तुम लोग. हाँ तेरे को समझता नहीं कि तू क्या पढ़ रहा है. किधर अटैच होता है? जोर से बोल. किधर अटैच होता है? काइनेटोकोर. वेरी गुड अटैच. काइनेटोकोर. तुम दोनों क्लास के बाहर जाओगे आज. जगह अटैच है देखिए अटैच है काइनेटोकोर. दीज आर नथिंग बट क्रोमोसोमल फाइबर्स. अब जो चौथे टाइप का फाइबर है ना वो सिर्फ और सिर्फ एनाफेस में दिखता है, मेटाफेस में नहीं दिखता. ये तीनों हम यहाँ पे भी देख सकते हैं. यू हैव दे गेटिंग अटैच टू क्रोमोसोम्स. ये तुम्हारा इंटरपोलर हो गया और ये तुम्हारे बराबर है. अब चौथा जो है दैट इज इंटर क्रोमोसोमल फाइबर्स. इंटर क्रोमोसोमल फाइबर्स क्या हो जाएंगे? ये सेंट्रियोल्स है. ये सेंट्रियोल है. ये तुम्हारे क्रोमोसोमल फाइबर्स हो गए बराबर. क्लियर? इनमें दो क्रोमोसोम के बीच में फाइबर्स आएंगे ऐसे. कैन यू सी दैट? सो दे आर कॉल्ड एज व्हाट? इंटरक्रोमोसोमल फाइबर्स. इंटरक्रोमोसोमल फाइबर्स सिर्फ एनाफेस में दिखते हैं बिकॉज ये तब आएंगे जब दो सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट होते हैं. ठीक है? और अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये इकलौता अलग टाइप का स्पिंडल फाइबर है. ऊपर के तीन ना क्रोमैटिड्स को खींच रहे, ये क्रोमैटिड्स को धक्का मार रहा है. सो ऊपर के थ्री आर वर्किंग ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ पुल बट दे आर पुलिंग द फाइबर्स. दिस वन इज वर्किंग ऑन प्रिंसिपल ऑफ बिकॉज इट इज पुशिंग द फाइबर्स. आर वी क्लियर एवरीवन? एनी डाउट्स? पक्का समझा? अब इसके बेसिस पे जब तुम क्रोमोसोम्स को खींचते हो, देखो हमारे को पता है कि क्रोमोसोम्स खींचा जाता है फ्रॉम काइनेटोकोर विच इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रोमियर. यानी यहां से ये क्रोमोसोम खींचा जाएगा. जब क्रोमोसोम यहां से खींचा जा रहा है तो पीछे ऐसे आएगा ना ट्रेल. इनके जो टेल्स है वो पीछे ट्रेल होंगे. ट्रेल माने घसरणार ते करते कि नाही? म्हणजे जर असं हे सपोज आपली बुक आहे, आता बुकला मी इकडून जर असं खेचलं तर हा याचा शेप वेगळा असेल. जर मधून मी असं खेचतोय वरतून असं तर याचा शेप वेगळा आहे. असं मधून जर मी उघडतोय असं याचा शेप वेगळा आहे. एक्झॅक्ट सेंटर में से खींचूंगा तो शेप अलग होगा. वैसे ही जहां पे इसका सेंट्रोमियर है उसके बेसिस पे हमारे पास चार टाइप के क्रोमोसोम्स हैं.
यस और नो, बताओ कौन से मेटासेंट्रिक है। एक्रोसेंट्रिक है एंड टीलोसेंट्रिक है, बराबर है? इज एवरीवन क्लियर? इसमें एग्जैक्ट सेंटर पे होता है, तो जब मैं खींचू तो कौन सा शेप बनता है क्रोमोसोम से? तो इस वजह से एनाफेस में मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम वी शेप का दिखाई देता है। समझा कि नहीं? क्लियर है? वहीं पे जब हम सब मेटासेंट्रिक का बात करते हैं, इसमें क्या होता है? अवे फ्रॉम द सेंटर। सो जब इसको हम यहां से ऐसा खींचेंगे, ऐसा दिखाई देगा ये? Yes. कौन सा शेप है? सो दिस विल बी एल शेप। फिर ये आ रहा है जो टेलोमियर के काफी नजदीक होगा। टेलोमियर के काफी नजदीक होगा, इसको जब मैं खींचूंगा तो ये कुछ ऐसा शेप बनाएगा ना। कौन सा शेप है ये? सो दिस इज दिस अपीयर्स टू बी जे शेप्ड। टेलोसेंट्रिक में टेल पे होगा ऐसे, कौन सा शेप दिखाई देता है? इट विल बी आई या फिर रॉड शेप। यानी कि एनाफेस में हमें चार अलग अलग टाइप के स्पिंडल फाइबर्स भी दिखाई देते हैं, प्लस क्रोमोसोम्स के शेप्स दिखाई देंगे। सो अगर क्वेश्चन फ्रेम होता है हमको, प्राची अगर क्वेश्चन हमको फ्रेम हो रहा है कि फॉर स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स आर अरेस्टेड एट डैश फेज, क्या आएगा आंसर? फॉर स्टडी ऑफ शेप ऑफ क्रोमोसोम यू ऑब्जर्व डैश फेज। डिफरेंस समझा? स्ट्रक्चर यानी क्या? जो हम पिछले चैप्टर में पढ़े, टेलोमियर, सेंट्रोमियर, अपना सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, सैटेलाइट, वो सब, ऑल ऑफ दैट विल बी स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। वी शेप, एल शेप, जे शेप, रॉड शेप, फिर भी शेप सीन इन स्ट्रक्चर इज सीन इन। आर वी क्लियर एवरीवन? एवरीवन पक्का जाग रहे हैं? क्या रे भाई, समझा क्या? सुशांत, हर्ष लिखे, चलो क्विकली राइट।